यूं तो केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बातें करती हुई नजर आ रही है, पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हकीकत तो यह है कि किसी सरकारी कार्यालय में बिना पैसों के कोई काम नहीं होता। काम करवाने के एवज में कोई पीड़ित व्यक्ति अगर रिश्वत के रूप में अधिकारी को पैसे नहीं दे पाता तो उस पीड़ित व्यक्ति को विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा चक्कर लगवाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी से सामने आया है, जहां एक पीड़ित विधवा महिला अपने विभागीय काम की खातिर विभागीय कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक गई थी। आज उसके सब्र का बांध टूट गया और उस महिला ने सरकारी दफ्तर में जमकर हंगामा किया। महिला के हंगामे को देखकर कुर्सी पर बैठा अधिकारी भाग खड़ा हुआ। बताते चले कि मैनपुरी के DIOS ऑफिस में आज एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने अपना नाम मीना शर्मा बताया है। पीड़ित महिला मीना शर्मा का आरोप है कि उसके पति मुकेश शर्मा श्री नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में तैनात थे। उनकी करीब 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उनके पति का रुका हुआ एरियर का पैसे की प्राप्ति के लिए वह लगातार DIOS ऑफिस के चक्कर लगा रही है। पीड़ित महिला मीना शर्मा ने DIOS ऑफिस के लेखा अधिकारी पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वह 4 साल से ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर है। उसके पति का रुका हुआ एरियर का पैसा आज तक नहीं मिला है। वहीं DIOS मनोज कुमार का कहना है कि इस महिला के पति के एरियर के भुगतान की कार्यवाही इस कार्यालय से पूरी हो चुकी है। इस महिला के पति के एरियर के भुगतान के कागज मंडलीय कार्यालय DDR के यहां भेजे जा चुके हैं। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। कॉलेज में हमारे हस्बैंड थे नेहरू स्मारक कॉलेज समान में प्रधान लिपिक के पद पर। क्या हुआ था आज? आइए, हुआ था यहाँ हम 4 साल से भटक रहे हैं इस ऑफिस में। जिस काम के लिए आओ, काम तब तक नहीं होता है जब तक यहाँ कोई हंगामा ना हो। पहले गंगा सिंह राजपूत थे, उन्होंने मैनेजर से 50,000 रुपये लेके नौकरी देने से मना कर रही थी। तब जैसे तैसे हमने नौकरी दिलवाई, वो भी सबको पता है कि ऐसा नौकरी दिलवाई। हमारे हस्बैंड का एरियर रुका हुआ है, सैलरी ने रोक रखी थी। केवल आके मौके की ये बोल दिया कि इनके हस्बैंड ने गबन किया था। RP यादव ने सैलरी रोक दी। क्या इसका लिखित में कोई प्रमाण था किस बेस पर सैलरी रोकी? वो इसी टेंशन में बीमार पड़ गए, एक्सपायर हो गए। उसके बाद से 4 साल हो गए भटकते भटकते। आज भी आपके हाई कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, शासनादेश है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है तो मरने के बाद उसने गबन किया हो या ना किया, उसके परिवार से कोई वसूली नहीं हो सकती। एक एक चीज का नाम है हाई कोर्ट के ऑर्डर में कि ग्रेच्युटी वगैरह सब 8% के ब्याज सहित वापस जाए। इतना सब हमारे पास सब है, सब प्रूफ दे चुके, उसके बाद भी हमारा पैसा DDR के यहाँ से नहीं निकल रहा है। अभी आपने आरोप भी लगाया था कि 20,000 लेखा अधिकारी है, राम सेवक लेखा अधिकारी, ये जो हमारा एरियर रुका हुआ है इलाहाबाद, इसके लिए इन्होंने ये कहा था 20,000 रुपये दो, हम आपका यहाँ से करवा देंगे। तो हमारे पास पैसा है ही नहीं, जब सब रुका है तो हम कहाँ से दे देंगे? हमारे बच्चे भी थे 3, हमने पैसे देने से मना कर दिया, मैंने पैसे है नहीं। जब तक हम उनके अग्नोत्री जी के पास गए, वहाँ से लेटर लिखवा के लाए 2 दिन बाद, इन्होंने गंगा सिंह ने उठा के फाइल भेज दी वहाँ पे इलाहाबाद। और आज हम उसी के 2 बार इलाहाबाद, अपना चीज जेवर गिरवी रख के 2 बार इलाहाबाद, जो काम हो आप जाके करवाए आइए, बताइए। हमारा काम है किस ऑफिस से करवाना चाहिए। 2 बार हम अपना चीज जेवर रख के इलाहाबाद गए, वहाँ भी 20,000 रुपये मांगे जा रहे, हर जगह जहाँ जाओ वहाँ रुपये मांगे जाते। और कहते ये हैं, सुन ये रहे कि सरकार में रिश्वत लेनी जाती और खूब रिश्वत ली जाती। देखा जाए तो सपा की सरकार से इसमें ज़्यादा रिश्वत ले रहे हैं। उसमें कम से कम लेते थे तो खुल के तो लेते थे, इसमें तो सीटों के नीचे से ले लेते हैं। क्या चाहते हैं? सीटों के नीचे खून चूस रहे हैं इंसान का। वो खुल के तो मांगते थे कि रिश्वत दो, हम आपका काम करवाएंगे। या सीट के नीचे से 100, 200, 1,000, 500 कागजों में लपेट के हमसे खुद वहाँ इलाहाबाद में मांगे। तो हमने कहा हमारे पास अभी कुछ तो दे जाओ, 1,000 ही दे जाओ, कागज में लपेट के दे दो। और कहते हैं रिश्वत नहीं ली जाती, बताओ हम क्या करें? हम अपने प्राण दें, कहाँ से रिश्वत दे? अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे? न्याय नहीं मिला तो या तो हम आत्मदाह करेंगे जाके मुख्यमंत्री के आवास पर, क्योंकि हम बहुत झेल चुके, 4 साल हो गए झेलते। इससे इस सरकार क्या हमारा ब्राह्मण है, इसका ये कसूर है हमारा ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया, ये सजा मिल रही है हमें कि जिसका पति चला गया। यहाँ के जो DM थे प्रदीप कुमार, वो हमसे कह रहे तुम भिखारी हो, नौकरी लेके दिखा देना। अरे जिसका पति चला गया, जिन बच्चों का बाप चला गया, वो तो वैसे ही भिखारी है, तुम हमें भिखारी क्या बताइए? DM का अधिकार है किसी को भिखारी बताने का? आप 9 बजे से 11 बजे तक जन
सुनवाई को बैठते हो। ठीक ठीक। आपके कार्यालय के बाहर जो और अंदर जो है ना एक महिला तांडव कर रही है एक मिल को लेकर, पूरा मामला क्या है सर? ये कहाँ की महिला रहने वाली और उस पर ये आरोप लगा रही है 20,000 रुपये लेने का और उसका एरियर नहीं देने का, क्या पूरा मामला है सर? इसके एरियर से संबंधित ड्यूज के कागज हैं और इसके जो ड्यूज से संबंधित कागज वो मंडली कार्यालय DDR के यहाँ भेजे जा चुके हैं, ऑलरेडी इस कार्यालय से जा चुके हैं। इसके प्रकरण का निस्तारण DDR कार्यालय से होना, इस कारण इस कार्यालय से जो कागज जाने थे यहाँ से जो कार्रवाई होनी थी पूरी हो चुकी है पहले से ही। आज इसको इसके फोटोकॉपीज भी दे दिए गए हैं ताकि इसको जानकारी हो जाए कि हमारे प्रकरण में क्या प्रगति हुई है। तो इसके सारे जो ड्यूज हैं वो वहीं से ही क्लियर होंगे आगरा से। इस कार्यालय में इसका कोई इस पर कार्रवाई बाकी नहीं है। सर अगर जो बात की जाए कि 4 साल पहले जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 4 साल इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है कि 4 साल में अभी तक उसको एरियर नहीं मिला? अब मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं भी 6 महीने से आया हूँ सर। मेरी जानकारी में भी एक हफ्ता पहले से फ़ोन किया तो मैंने इसको कहा था, इसका पूछा था बाबू से, उन्हें बताया इसका कागज जो है हम भेज चुके हैं आगरा, गया हुआ है इसका प्रकरण। इसका प्रकरण का निस्तारण आगरा से ही होना, इस कार्यालय से इसकी संबंधित कोई कार्रवाई अब बाकी नहीं है। आपके यहाँ लेखाकार हैं राम सेवक जी पे और आरोप लगाया है उसने महिला ने कि 20,000 रुपये नहीं दिए, इसलिए जो कार्रवाई हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, क्या कहते हैं? इस कार्यालय में कोई इसका कारण नहीं होना है। इस कार्यालय से जो कागज इसके ड्यूज भेजे जाने थे वो कार्यालय से भेजे जा चुके हैं, अब इसका निस्तारण मंडली कार्यालय से होना है, इसलिए यहाँ से किसी का इस प्रकरण का मैटर ही नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।